सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं 2K22, क्योंकि 23 पे पता नहीं क्यों मेरा जो एक वो है इमेज अपलोड वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं 2K22 में कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरे को पता है यार कि पहले और इस गेम में बहुत ज़्यादा अंतर है, बट फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं। और ये भी देखते हैं कि कस्टम प्लेयर इसमें अलाउ करते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने कस्टम प्लेयर बनाया है मिलिंद काबा, सलमान खान, विवेक ओबरॉय, तो I'd like to officially देखते welcome हैं। our कार्तिक newest आर्यन, recruit to the रणवीर start कपूर of भी, his और भी WWE बहुत journey. लोग। You come in चलो our यार sports स्टार्ट team, it's करते gonna हैं। be easy, but you're for a real wake-up call. और यार अगर And वीडियो ask अच्छा me, लग I रहा हो think तो he's लाइक going जरूर to कर do देना यार, big इससे things मोटिवेशन here. मिलती है। Look out, लाइक करना, सब्सक्राइब Superman करना, शेयर punch. करना। और दिखा रहा लोगों की, Special देखो बॉलीवुड के Equalizer. कैरेक्टर्स भी कोई बनाता है अपने यूट्यूब पे 2K22, 23 Spear. गेम्स पे। Is going to be बैकग्राउंड one म्यूजिक for अच्छी the लग रही है, इस पे ages. कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा जरा? We are going to give you the foundation to succeed in WWE. What you do with it is up to you. 2K23 में द लॉक नाम से है, द लॉक नाम से है जो हम लोगों को मिलता है एक कस्टम प्लेयर। और 22 उसमें एक वुमेन्स डिवीज़न भी है जो थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाया है 2K23 को। So this is बहुत it. स्मूथ है वो गेम, Day one मतलब of training at the WWE Performance Center. ओके। As you can see, it looks like everyone heard I was coming and decided they'd be better off staying home. मेरे कंट्रोलर की आदत है This is गिरने की, cool, पता but नहीं there's क्यों। no way my journey ends here. I'm going to WWE and then straight to the top, where I make sure Hey, that. what are you ये doing? मेरा प्लेयर है। You're an hour and a half early for your orientation. I was just checking out the facility. There'll be अच्छा, तो plenty of ऐसे time for वीडियो नहीं that बनाया later. जा सकता है How शायद। did you even get in here? Guy up front let me in. Oh, big guy with the mustache? Kind of sweaty? Yep. Well, that's Todd's final कॉपी फ्रॉम strike. सुपरस्टार का Hope ऑप्शन you आना enjoy चाहिए his यार, मूव सेट्स early एंड ऑल भले मत करो, बट retirement. जो मैंने बनाया कस्टम सुपरस्टार उसका। Oh, no need to get anyone in trouble. He क्योंकि अपन को definitely हील checked रहे my हैं ID तो and अपन even did a pat थोड़े down. अच्छे बन जाते हैं। Really thorough. So Todd's all right in my book. I feel very safe in his big sweaty hands. Fine, whatever. Anyway, you're going to स्क्रीनशॉट्स need to ले fill रहा out हूँ your ताकि मेरे को information थंबनेल on मिल this जाए। and sign a bunch of waivers before you can begin training today. And when you're done with all that, there's actually a fun part. You get to design your wrestling gear in case you become a WWE superstar. You mean when I become a WWE superstar? इतना Yeah, आसान थोड़ी sure. है। Wait, have you been filming this entire time? Is that a problem? Filming's not Yes. allowed in here without prior consent, which you should have been told by security. Frickin' Todd. Turn it off, please. ओके। सिर्फ WWE वालों के पास कॉपीराइट है कि वही यूज कर सकते हैं अपनी फुटेजेस को, और कोई नहीं कर सकता। ओके ठीक है, समझ गया यार। यही तो नहीं चाहिए ना मुझे, मुझे अपना प्लेयर बना बनाया चाहिए। मुझे अपना प्लेयर बना हुआ चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिलिंद काबा, कार्तिक आर्यन ऐसे लोगों को बना के रखा हुआ। ओके हैवीवेट, कॉपी करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? बैकिंग आउट टू मेन मेन्यू में सुपरस्टार वोंट बी सेड, नो। ओके नहीं यार, नहीं ऑप्शन, यही तो गलत है ना। मुझे अपना कस्टम सुपरस्टार चाहिए, अगर तो मैं कैसे यूज करूँ, कैसे यूज करूँ भाई ये वाली सुपरस्टार को, मेरे को यूज करना है। चलो बना लेते हैं, अगर इसने इतना बोल रहे हैं तो। हाँ, मिलिंद काबा का कौन सा वाला फेस लेना था? मिलिंद काबा कितने सारे फेस है यार, ये दोनों तो मेरे ख्याल से, ये दोनों तो नहीं जाएंगे, ये चला जाएगा, जाना तो चाहिए।
आई थिंक नहीं, आई थिंक यस, लग तो रहा है यार, लेकिन सिर्फ फ्रंट से। जो मुझे चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही ना, दिक्कत यही है, जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती इसमें। इस वाले को ले लेते हैं, ये काम करेगा। इसके पहले भी मैंने बनाया है, तो ऐसे कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है ऐसे फेसेस बनाना, बट वही बात है ना यार कि मतलब क्यों डबल मेहनत करवा रहे हैं ये लोग, जब ऑलरेडी मुझे पता है कि मैंने बना के रखा हुआ है, तो फिर क्यों मेहनत करवा रहे हैं ये लोग। चलो गाइस, आपके सामने बना देता हूँ एक बार, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे बनाता हूँ 2K22 में प्लेयर्स। जो हर कोई मेरे से पूछता है कि तुम बॉलीवुड कैरेक्टर को कैसे ले आते हो अपने उस पर, तो वो मैं आपके सामने कर देता हूँ एक बार। बट दिक्कत ये हो गई ना कि मुझे अब हर बार बनाना पड़ेगा, जैसे मिलिंद का बैकअप मैं बना रहा हूँ, अब मेरे को कार्तिक आर्यन की स्टोरी लानी है, तो मुझे हर बार बनाना पड़ेगा। अब ये देखो लेफ्ट राइट पे ऐसा हो जाता है क्योंकि वो फोटो की वजह से, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इजी तो नहीं है बनाना, बट पता नहीं आज कैसे एक बार में लाइन हो गया, एक ही बार में। चलो लग तो रहा है कम से कम मिलिंद गाबा, हाइट को थोड़ी सी कम करनी है बस। नहीं यार 6 रखते हैं, मतलब एक्चुअल हाइट जो गेम में मैंने डाल के रखी है मिलिंद सर की, वो 5'7" इनकी एक्चुअल में ओरिजिनल हाइट है, तो मैंने वो तो डाल के रखी है। आई थिंक चेहरा थोड़ा सा कम, अब ठीक है, तो अब ये लग रहे हैं प्रॉपर मिलिंद सर। तो कुछ ऐसे बनाया जाता है फेस रिकंस्ट्रक्ट जो करते हैं हम लोग, वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि ज़्यादा कम, ज़्यादा ज़्यादा ना लगे, कुछ इस तरीके से। बाकी उतना डिटेल में कोई इतना वो नहीं करता, फोकस नहीं करता। फेशियल रीजन को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा सकता है, जैसे कि ये आंखें ये वाली और ये वाली अगर देखा जाए तो ये थोड़ी सी है, इसको इस साइड से अपन कर देते हैं, ठीक है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नोज अलाइंड है, थोड़ा सा इसे ऊपर करना पड़ेगा, नहीं अपन को फोटो के हिसाब से करना पड़ता है। अब मुझे बियर्ड को थोड़ा सेट करना पड़ेगा, खैर छोड़ो ज्यादा नहीं छेड़ते। और इसे थोड़ा सा क्योंकि क्या है लिप पोज बहुत ज्यादा मैटर कर जा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ भी इसे ऊपर, इसे भी ऊपर, थोड़ा सा नीचे, नहीं बियर्ड, चलो ठीक है इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर अपन लोग कुछ करेंगे तो आप भी जानते हो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा, तो थोड़ा स्किन कलर को भी चूज़ कर लेते हैं, थोड़ा येलोइश रखना है ना जो उस पर लग रहा है, बाकी इतना कुछ डेली उसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं, चाहे कोई सा भी कलर करो। तो देखो फेस तो बन चुका है, अब बस हेयर स्टाइल चूज़ करनी है। मिलिंद सर की बहुत बेसिक हेयर स्टाइल है जो हर एक लड़के आज के डेट में रखते हैं, तो एक हेयर स्टाइल चूज़ करनी है, और म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक और वो सब भी मुझे चूज़ करना है, लेकिन वो शायद ऑप्शन मुझे शुरू में नहीं मिलेगा, और भले ही चलता है मेरे को कोई सा भी कॉपीराइट आ जाए तो चलेगा। वेट अ मिनट, कर रहे हैं सेट अभी, रुक जाओ, यही तो है ना, ये देखो अब आईब्रो अलग आ गई है और वो अलग आ गई है, ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसे ही थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ती है, जैसे कि देखो आईब्रोज कितनी गंदी लग रही है, तब ये आईब्रोज को मेरे को सेट करना होगा। जैसे आईब्रो है कोई सी भी आईब्रो है जिस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, फिर वो फर्स्ट कलर पिकअप करूंगा कुछ भी, और लास्ट में मुझे जाना है बस ओपेसिटी को कम कर देनी है। तो क्या है जो नेचुरल आईब्रोज जो फोटोज से आई है वो वाली बस रहेगी, एक मिनट सॉरी, तो ये अब नेचुरल आईब्रो बस रहेगी। अब तुम बोलोगे कि चलो ये तो हो गया, और अब तुम बोलोगे कि भाई
हेयर स्टाइल, हाँ हेयर स्टाइल चेंज करेंगे अभी, क्यों नहीं करेंगे, क्या है WWE 2K22 और 23 और कोई सा भी गेम, नॉर्मल हेयर स्टाइल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए थोड़ा खोजना पड़ता है। ऊपर ही में तो कहीं पे थी शायद अच्छी वाली, जो मिलिंद सर रखते हैं वो कुछ इस टाइप की हेयर स्टाइल होती है। चलो इसको डन करते हैं, हेयर कलर वगैरह सब कुछ सही है। आई डोंट थिंक कि बियर्ड वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों मतलब देख लेते हैं एक बार बियर्ड भी करके, फुल बियर्ड देखते हैं एक बार, कुछ इस तरीके की मिलिंद सर रखते हैं बियर्ड भी अपनी, तो ऐसी नहीं थोड़ी कम, बट हाँ मतलब ज़्यादा ऐसी भी डीप नहीं लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं। हाँ ये ऊपर वाली सही थी, ये तो मुस्लिम टाइप हो गया है, नहीं ये बियर्ड ही सही लग रही है, बियर्ड यही रहने देते हैं। चलो तो मिलिंद सर हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, अब बस बारी है कपड़ों की, नहीं ये सब नहीं करना है, अब बस अटायर का कॉपी कर देना है और कुछ नहीं। और क्लॉथिंग अपन रखेंगे फुल, अपर बॉडी हो चाहे लोअर बॉडी हो, अपन बॉडी फुल रखेंगे उस, क्योंकि अपन ले प्रॉपरली उसको किया हुआ है, ये लड़की वाला है ऊपर ऊपर जो वो आ गया है ना एक इमेज का, बस उसको सेट करने के लिए अपन को थोड़ा फुल बॉडी रखना पड़ेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छी लग रही है वाइट, नहीं यार लूज है बहुत ज़्यादा लूज है, यही तो दिक्कत है, कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं है जल्दी से, जैसे ये फिट लग रही है, और ये 11 नंबर की शायद और फिट होगी, ये भी अच्छी लग रही है, और ये वाली नहीं ये ठीक है, इसका कलर हम रखेंगे ब्लैक, डोंट वरी अभी और कवर अप करेंगे। यस अब देखते हैं, नहीं यार ये तो जैकेट्स अच्छी लगेगी, मिलिंद सर पर जैकेट अच्छी लगती है, रुको जैकेट देखते हैं, जैकेट मिलिंद सर पर जैकेट अच्छी लगती है, क्योंकि मैं पूरा ट्यूटोरियल ही बना दे रहा हूँ, तो क्या है तुमको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से बनाया जाता है, जैसे ये अब मेरे को बस ऐसी जैकेट रखनी है जिसमें वो मोटे ना दिखे, पतले या मोटे, अच्छा वो अभी मेरे को मिलेगी नहीं, ऐसी जैकेट चाहिए जो फिट लगे, जैसे कि ये अच्छी लग रही है, बट ओपन जैकेट अगर रहेगी तो और अच्छी लगेगी, ओपन जैकेट रेड कलर में जैसे ये है, ये सिर्फ एंट्रेंस का टायर है, अच्छा ये भी नहीं मिलेगी अब, ये तो मिलेगी, हाँ ये बहुत सेक्सी लग रही है यार ये वाली, अगर इसका कलर मैं वाइट कर लूँ तो कैसा लगेगा, बहुत सही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, नीचे मैं ब्लू मार देता हूँ, बट इस जैकेट का ना एक कलर मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है, यस इसको मैं रखूँगा ब्लैक, ओके मिलिन सर आर यू रेडी, बाकी और कोई चीज़ की तुमको नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बूट्स एंड शूज, तो भाई पहले मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ये रेड शूज अच्छे लगते हैं, हाँ ये सही लग रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने क्योंकि कार्तिक आर्यन के में बनाया हुआ है तो इसलिए शायद ऐसा लग रहा है। और बॉटम्स पे क्या मिल सकता है, अब यही तो कन्फ्यूजन है ना यार, जीन्स जीन्स अच्छा लगेगा अगर ब्लू होगा तो, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही मतलब, हाँ ये लगा ना थोड़ा सा जीन्स जैसा, वो पैंट्स लग रहे हैं, नाइस यार नाइस। चलो इसके अलावा हम और कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अब कॉपी करेंगे अटायर को, रिंग अटायर को भी हम चेंज करेंगे, वेट कॉपी अटायर, यस ओवरराइट कर दिया जाए, हमारे मिलिंद सर ऑलमोस्ट रेडी है, मिलिंद गाबा सर, मिलिंद गाबा सर अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ मेंशन बैक कर लेना एक बार मेरे को स्टोरी में, या मेंशन ही कर लेना, देखो एंट्रेंस अटायर ये रखेंगे, ये जो तुम अभी देख रहे हो, रिंग अटायर को अब चेंज किया जाएगा, रिंग अटायर हमारा होने वाला है एडिट कर आ जाए, एडिट के ये सब ऑप्शन कुछ नहीं है पता है, द लॉक और पता नहीं क्या क्या, मतलब अपने हिसाब से अटायर चेंज करके उस पर मिलता है उस वाले में 2K23 में, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगेगी, चलो
अरे यार मैं कहाँ चले जाता हूँ, बार बार यहाँ नहीं आ रहा था, क्लॉथिंग पे जाना था। सिर्फ अपर बॉडी को चेंज करेंगे अब, जैकेट को कर देंगे अपन रिमूव, ठीक है। और इस पे अपन देखते हैं अपन क्या पहना सकते हैं, ये अच्छा लगेगा शायद, रोमन रिंस वाला लग रहा है ये। नहीं ये कैसा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, ये तो बिल्कुल नहीं। फिट तो लग रहे हैं बट उतना नहीं, ये तो शायद लूज होगा थोड़ा, देख के ही लग रहे हैं। हाँ लूज है, ये बहुत परफेक्ट लग रहा है। इस पर मैं अगर कलर लगा दूँ ब्लैक तो नहीं यार, ये अच्छा लग रहा है, डन है ये, डन है, डन है ये डन है। इंटरिंग अटायर भी डन है और अपीयरेंस वगैरह और ये सब कुछ। तो देखो यार सब कुछ अब सेट हो चुका है। एक मिनट यार, एक एक दिक्कत है, एक दिक्कत है, ये एल्बो जो है, एल्बो पैड मेरे को हटाने हैं, रिमूव कर देता हूँ सीधा। और ये वाले भी चलो अब ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं मेरे इनसे। एक मिनट एक मिनट, शूज़ कौन से हैं, शूज़ और सॉक्स दिख रहे हैं क्या? चलो सॉक्स तो नहीं दिख रहे हैं फिर, ठीक है। मैं सॉक्स भी अभी चेंज करता। तो कुछ ऐसे हमारा क्रिएशन होता है कंप्लीट। तो मिलिंद का बस सर हमारे बन चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, दोनों के दोनों एक साथ रेडी हैं। तो अब बस हमें क्या करना है, अब हमें घुसना है सिर्फ और सिर्फ गेम पे। तो देखो यार, फेस हो गया, बॉडी हो गया, अटायर हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अब थोड़ा घुसते हैं। नेम इन्फॉर्मेशन को अब हम चेंज करेंगे, मिलिंद गाबा। एक मिनट, इसको मैं कीबोर्ड से कर दे रहा हूँ, हाँ मैं पीसी में खेल रहा हूँ। ये चीज़ तो अच्छी लगती है, मिलिंद सर का नाम। यार ये क्या हुआ, चल भाई कंट्रोलर से लिख देता हूँ। एक टाइम पे मेरे पास PS4 भी हुआ करता था, मतलब अभी भी है, इसीलिए बस आदत सी हो गई है। अबे यार दिमाग खराब कर रहा है, यही तो दिक्कत है ना यार इस, मतलब अपने आप को गेम को शाड़ा समझ लेता। यस अब देखते हैं कि क्या है जो मतलब ऐसा क्या है जो वो लग सकता है। मिलिंद 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 में एम आई 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 एम आई। तुम लोगों का कौन सा फेवरेट है भाई? मेरा फेवरेट मतलब देखो, तुम्हारा फेवरेट कौन है? देखो ये अगर मैं कुछ भी और डालूंगा ना तो गेब्रियल, जैसे मिलिन गेब्रियल ऐसे थोड़ा सा मतलब वो करेगा, लेकिन एकदम एक्यूरेट तुमको नेट कभी नहीं मिलने वाला। मैनू स्क्रीन पोज बहुत गंदा, क्या छुपा रहे हो? अरे रोमन रेंस वाला पोज नहीं है क्या? ये सही लग रहा है। अब क्राउड हमको करेगी चेयर, चेयर इंडिया, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं और दिल्ली से हैं मिलिंद सर, मेरे फेवरेट है यार, इसलिए मैं बना रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। चलो परफॉर्मेंस पे जाते हैं। स्पीयर, स्पीयर सही है लेकिन स्पीयर 3 नहीं, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है और कोई। चलो इसको बाद में चेंज किया जाएगा। पेबैक नहीं यार, ब्लैकआउट रखते हैं, ब्लैकआउट पे ज़्यादा मजा आएगी, ब्लैकआउट एबिलिटी सबसे बढ़िया। तो चलो यार +5555% है, MMA स्ट्राइकर जो भी चीज़ें हैं वो सब हो चुकी है। यू आर अबाउट टू सेव मिलिंद गाबा सर हमारे रेडी, और हमारा मायराइज मोड का ये पहला एपिसोड होगा जो परफेक्ट मिलिंद गाबा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने मायराइज पे एपिसोड्स बनाए हैं जिसपे मैंने मिलिंद गाबा तो बहुत किया था, बट वो मिलिंद गाबा टाइप दिख नहीं रहा था क्योंकि भाई उस टाइम मुझे बनाना नहीं आता था। फिर 2 से 3 महीने की कड़ी कोशिशें और बहुत ज़्यादा ट्राई मारने प्रैक्टिस के बाद मैंने बनाना सीख लिया है। तो हमारे मिलिंद सर देख लो ये रेडी है, अब हम आते हैं अपने स्टोरी मोड पे और देखते हैं क्या होता है। यार प्यास लग जाती है, गर्मी इतनी है।
तो हमारे मिलिंद सर रेडी हैं ओरिजिनल वाले, पिछली बार तो ऐसे ही बनाया था बट उस पर भी अच्छे खासे फैंस मैंने कमा लिए थे। आप 6 फीट हाइट पे, वैसे एक्चुअल हाइट मिलिंद सर की 5'8" है, कम्युनिटी क्रिएशन में जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो, 5'7" 5'8" उनकी ओरिजिनल हाइट है। और क्या बोलते हैं, हाँ तुम वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, तुम डाउनलोड कर सकते हो, बट सिर्फ PC सर्वर्स पे, मैंने सिर्फ कंप्यूटर पे बनाया क्योंकि प्ले स्टेशन में अपलोड करना बहुत मेहनत का काम था इसलिए। ओके मिलिंद सर, You done with all that लेफ्ट yet? राइट प्रोफाइल उतनी अच्छी Just नहीं मिलती finished. यार, It takes time to design a सॉरी, look like that. लेफ्ट और राइट प्रोफाइल, और मैंने बहुत हड़बड़ी में I've seen बनाया है, worse. उतनी So मेहनत now नहीं what? की है आज। Should I go wait at the front desk with you until it's time to start? Front desk. What do you think I do here? I'm Corey मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आज उतनी मेहनत से नहीं बनाया है इसलिए थोड़ा गंदा दिख रहा है, बट लेफ्ट राइट से देखोगे ना तो थोड़ा सा लगेगा, स्ट्रेट से थोड़े ठीक दिखते हैं बट एक्सप्रेशन में थोड़ा हक देते हैं, तो You know what? छोड़ो एडजस्ट कर It's लें। nice to meet you in person finally. Go get changed, then head over to the gym. The other trainees who started last week should be अच्छा showing up ट्रेनिंग soon. होगी अभी, And to clear up any potential confusion on your end, they are men. गॉट इट, थैंक्स। आई नो तुम बोलोगे ये मिलिंद का तो कहीं से नहीं लग रहा है, बट हड़बड़ी में बनाओ तो ऐसे ही होता है। तो देख मतलब पता नहीं है 2K22 की एक प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट करते टाइम पता नहीं प्लेयर को क्या कर देते हैं, ऐसे तो बहुत बढ़िया चलते रहता है, एक्सपोर्ट के टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता। वैसे मैं एकदम लाइव बनाया हूँ तुम्हारे सामने तो तुम भी देख सकते हो कि मतलब तुरंत तुरंत बनाया है मैंने, नाम हो जाए कुछ नहीं, तो ऐसे थोड़ा टाइम लगता है सेट करने में। ओरिजिनल वाला स्क्रोल करके वीडियो सेक्शन पे जाना, वीडियोस के सेक्शन में तुम देखोगे मिलिंद गाबा का एक प्लेयर वर्सेस रोमन रेंस, उस पे देखना मिलिंद गाबा कितना एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ये वाले जो मिलिंद गाबा है उतना एक्यूरेट नहीं है, बस दिक्कत वही है तुरंत तुरंत हड़बड़ी में जो मैंने बना दिया है, बट ठीक है चलो कोई नहीं, जल्दी बनाने ही था, जल्दी में कुछ भी चलेगा। एक सेकेंड का ओके हैक्टर, ये तो 2K23 में भी है। तो स्टोरी बोर्ड कहाँ पे और क्या ऐसा कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा इसमें, सो चलो देखते हैं। नोटिफिकेशंस, ओके लिव मॉर्गन का रिप्लाई आया, और बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिसमें पहले तो अपग्रेड किया जाए। 76 ओवरऑल है और मेरे पास स्पेंड करने के पॉइंट्स हैं, डिफेंस पे खर्चा करूँगा मैं, रेजिलेंस पे भी। ओके चलो 77 है भाई, दिख तो रहे हैं हल्के से मिलिंद सर, हल्के से ज़्यादा नहीं क्योंकि तो ऑफिशियल थोड़ी ना। ओके कुछ भी बोलो स्मूथनेस, लेकिन 2K23 में बहुत ज़्यादा है। दुनिया डिलीवर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बॉस, चलो ठीक है DM देखते हैं। ओके बैक, चलो अब बातें करते हैं हैक्टर से। Hey, new guy, right? I'm Hector Flores. Welcome to the PC. Thanks. I'm excited to get going. अपन को Especially हील since I बनना heard है you started या last week. फेस, ये मैं डिसाइड Started करूंगा, here at least. और हमें बनना I've है been training in फेस। wrestling for years before this. It's part of growing up in Mexico. Are you from one of those famous wrestling families? No, where I'm from, you were either into wrestling or football. Sorry, soccer. I chose wrestling. Soccer is for weak. I chose I MMA. played soccer when I was a kid, but there wasn't enough punching. So eventually I got into MMA. There was a lot भाई more मुझे भी punching. मिलिंद गाबा जैसी So बॉडी why make बनानी the है, switch from रियल MMA लाइफ में to उनकी बॉडी तो wrestling? बहुत अच्छी थी, अब नहीं है। I love fighting, but I got burned out with the long training camps and only getting to fight a couple times a year. Plus, I wanted a new challenge. So I started training for this a few months back and WWE took notice. That's good. But don't expect this to be easy. You're going to have to भाई work as मेरे से hard अच्छा तुम नहीं or खेल harder सकते, लेजेंड than you मोड हो have चाहे before to make it to इजी मोड हो, तुम WWE. आ जाओ I बस। realize that.
आ जाओ बस. जब तक मेरा कंट्रोलर का बैटरी खत्म नहीं होता या डिस्कनेक्ट नहीं होता या कोई ग्लिच नहीं होता तब तक मैं कोई नहीं हरा सकता. That's a high bar to set. But good luck. चलो आ जाओ यार. मेरे को एक्शन चाहिए, इन रिंग एक्शन चाहिए मुझे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ना मिलिंद गावा को अपने वो कर लूं. प्रॉपर्टी ऑफ ईएसटी मूव सेट्स विक्ट्री. अरे हाँ यार ये सब तो मैंने बनाया है नहीं. पहले रुक जाओ. विक्ट्री और मूव सेट्स ये सब मैं बनाऊंगा. ये भी मैं दिखा देता हूँ यार. ये भी मैं दिखा देता हूँ. वैसे मैंने किस पे किया है वो मेरे को एक बार चेकआउट करना पड़ेगा. एक मिनट रुक जाओ. एक मिनट एक सेकंड रुक जाओ गाइस. एक सेकंड बस. मैं अभी मिलिंद गावा का सॉन्ग भी लगाऊंगा. वेट अ सेकंड. अभी जो सॉन्ग आएगा ना तुम भी सोचोगे कि ये कहां से आ रहा है. बस वही तो मेरी खासियत है ना. वही तो मेरी खासियत है मोडिंग. मतलब गेम पीसी में मैं क्यों रखता हूँ गेम. एक मिनट. एक प्रॉब्लम है फिर. एक सेकेंड गाइस मेरे को सेट करना पड़ेगा. तो जैसा कि तुम देख सकते हो बट एक मिनट म्यूज़िक को पॉज करूँगा अभी के लिए. सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो दो सेकंड. मैं जब तक अपना वो सेट कर लूँ अरीना मूवी. अच्छा टाइटल मोशन तो मैं रोमन रेंस वाला रखूँगा. रोमन रेंस अभी मैं पूरा चेंज करूँगा गाइस. रुक जाओ. वेट. रोमन रेंस. यार रोमन रेंस ही तो है जिसकी वजह से अभी मैं डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा हूँ. ओए रोज रात नू चल दिए. अभी इसीलिए मेरे को पूरी विक्ट्री वगैरह सेट करनी है अभी जैसा कि मैंने बोला था. हाँ ये सब अरीना रैंप मूवी होनी चाहिए. बैनर मूवी वगैरह सब यही होनी चाहिए. ओके विक्ट्री सीन हमारी बन चुकी है. अब हम बनाएंगे एंट्रेंस. एंट्रेंस सीन बनानी है. अभी गेम की वॉइस मैं ऑफ करके रखा हूँ गाइस समझ रहा. उसका रीज़न वही है कि थोड़ा सेट करने दो पहले. ये सब मैं कैसे भूल गया यार. मतलब विक्ट्री वगैरह और ये सारे सीन्स भी बनाने थे. वही तो मैं सोच रहा था क्योंकि ओरिजिनल तो मैंने बनाया हुआ है. और बेसिकली करना कुछ नहीं होता है. म्यूज़िक को इंपोर्ट करना होता है किसी दूसरे प्लेयर के ऊपर. तो मैंने डेना ब्रूक के ऊपर मैं म्यूज़िक एमजी का किया क्योंकि जो प्लेयर से मैं खेलता नहीं है उन सब के ऊपर मैं इंपोर्ट करके रख सकता हूँ. रोमन रेंस पे भी पहले लगाया था बट तब मिलिंद गावा मैंने बनाया नहीं था. अब मैंने मिलिंद गावा का अगर प्लेयर बना लिया तो फिर मैं वो कर सकता हूँ. यही इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ. बहुत स्मूथ और बहुत ज़्यादा फास्ट था. ओके अब मुझे बनानी है. पहले विक्ट्री बन गई है. एंट्रेंस बनानी है और अगर मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं रोमन रेंस के मूव सेट पूरी कॉपी कर लूँगा. कस्टम वाले नॉट डिफॉल्ट. चलो इसका भी टेम्पलेट तुरंत छाप लेते हैं. टेम्पलेट नहीं यार पूरा मतलब कस्टम एडिटिंग करेंगे. तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो यार इस तरीके से बनाया जाता है. इस तरीके से 2K में पूरा ट्यूटोरियल ही बना दिया यार मैंने. मतलब पहला एपिसोड जो मेरा इसका ये तो पूरा ट्यूटोरियल पे चला गया. ये देखो मोशन तो सबसे पहले हम रखेंगे रोमन रेंस का पहला वाला. रोमन रेंस वन. टाइटल मोशन भी हम रखेंगे.
रोमन रेंस 1 जेनरिक MITB मोशन भी हम रखेंगे। अच्छा इसमें कोई सा भी रख लो। इस पे म्यूजिक रहेगी डेना ब्रूक। ओके एज स्टाइल्स नहीं चाहिए, अरीना मूवी चाहिए। इस पे भी अरीना मूवी चाहिए। अब तुम देख सकते हो एक बार। मैं साउंड अब ऑन कर देता हूँ, आप कॉपीराइट से कोई दिक्कत नहीं है। वही पुरानी वाली ही है और कुछ नहीं, पुरानी वाली ही म्यूजिक ऑडियो वीडियो कॉपी है और क्या। अब ये अपन आराम से देखेंगे। फाइनली मूव सेट बस और कॉपी पेस्ट करनी है, बाकी वी आर गुड टू गो। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है आई नो, लेकिन तुम स्किप करके भी देख सकते हो, बट थोड़ा नॉलेज भी देते जा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से बनाई जाती है यार ये। पता नहीं क्यों मतलब मेरा कंट्रोलर ना एक्सबॉक्स वाला दिखा रहा है ABCD, जबकि मेरा कंट्रोलर PS5 का है। कुछ तो भी ग्लिच, स्टीम का है, स्टीम एरर है कुछ। और 2K23 में मैं बनाना चाहता हूँ यार ये कस्टम फेस, लेकिन वही है मेरा 2K इमेज अपलोडर पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही है उसकी साइट पे। मैं इमेज अपलोड करता हूँ लेकिन वहाँ पे वो कुछ तो भी ग्लिच आ जाता है, पता नहीं गेम पे नहीं आती है चीज़ें, जबकि मैंने इसको पूरा लॉग इन करके भी रखा है, साइन इन करके भी रखा है, परचेज करके रखा है, उसके बाद मैं ऐसा दिखा रहा हूँ। तो 2K23 की वीडियोज़ भी तुम देखते होगे मेरी, तो तुम्हें पता चलता होगा। बापरे फैंस 800 है मेरे अभी तक। मूव सेट को मेरे को कॉपी करना है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ये कि बहुत टाइम खोटी और ये, लेकिन भाई यही सब चीज़ें हैं जो ना बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि लड़ने में तभी मज़ा आएगी जब तुम्हारे मूव सेट्स वगैरह अच्छे होंगे कॉपी होंगे तो। अरे यार कॉपी पेस्ट नहीं है, यार ये कुछ ज़्यादा ही मतलब वो नहीं करा दिया मेहनत। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्प्रिंग बोर्ड मूव्स को डालूंगा क्योंकि ये हमेशा नहीं छूटता। अच्छा मेरे पास स्प्रिंग बोर्ड मूव्स है मेरे पास। इस पे फेनोमिनल फोरआर्म स्मैश। चलो ये तो चाहिए थी, ये चीजें दी हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नाइस फिनिशर और सिग्नेचर अपन कर लेते हैं। इन रिंग कॉर्नर वाली तो चाहिए ही नहीं, ये वाली और गिलिटीन। गिलिटीन कहाँ है, गिलिटीन ये है। ये 2K23 में ये वाला गिलिटीन है। स्पीयर 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 स्पीयर। बापरे इतने सारे सिग्नेचर होते हैं पता भी नहीं था। ये तो ग्लिच हो गया था। ओके बाकी सब ठीक है। सिग्नेचर इन रिंग सुपरमैन पंच। और एक और कुछ होता है क्रैप कस्टर करके कोई सा, वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी मुझे। स्लीपर होल्ड तो नहीं चाहिएगा, ये लिटरली इतना टाइम ले रहा है ना ये कि क्या बोलूं।
यू सबसे लास्ट में होता है वैसे. हाँ यही तो चाहिए था, ये वाला. अरे कूडे क्रॉस दे देता हूँ, कूडे क्रॉस अगर होगा तो. ये भी लास्ट है, कूडे क्रॉस शायद ना मिले. अरे है सिग्नेचर है मेरा ये. अब मजा आएगा ना बिडू, अब मजा आएगा ना बिडू. चलो मूव सेट तो ठीक है. कॉपी फ्रॉम सुपरस्टार का ऑप्शन मिला नहीं तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ही खेल लेते हैं. परफॉर्मेंस सेंटर चलते हैं. यार द लॉक वाले सिस्टम मेरे को खेलना है, द लॉक और वो जो डिवस एडिशन आया है अभी, बट पता नहीं क्यों वो बस एक फेस के चक्कर में ही तो नहीं हो रहा ना, नहीं तो मैं तो बना लूँ. नेक्स्ट वीडियो से एकदम कंटेंट ही कंटेंट रहेगा ये वाली वीडियो में, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम पास टाइप का कर दे रहे हैं. टाइम पास नहीं, बेसिकली पूरा ट्यूटोरियल बता दिया कैसे बनाना है. अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो या मैं ही कट करके डाल सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये मतलब अब ट्यूटोरियल प्लस मायराइज है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है जिनको सीखना है उनके लिए. Hey, चलो सबका ओपिनियन लेते हैं. नाइस टू मीट यू. फर्स्ट डे ट्रेनिंग हियर, इट्स नाइस टू मीट यू इन पर्सन. सिंस आई ट्रांजिशनड फ्रॉम MMA, हमको हील नहीं फेस होना है ना. आई वाचिंग अ लॉट ऑफ योर मैचेस फ्रॉम जापान. And when I heard you were here, I was excited to get in the ring with you. Yeah, well, you better act fast since I don't plan on being here too long. Why is that? Because they should have never sent me here to begin with. I don't belong in the same place as someone just crossing over from MMA or some stupid former mascot. If you haven't met that goon yet, don't bother. You know who else crossed over from MMA? Sonya Deville, Shayna Baszler, Riddle. And I'm going to be bigger than all of them. Bigger tool? Maybe. Bigger star? No chance. For every success story, there's 1,000 guys that never made it. Like I said, I don't plan on being here very long. But I look forward to making sure you end up in the category no one's heard of. Too late. Because a lot more people have watched me knock people out than I've ever seen you wrestle. Just because I'm new to this game doesn't mean I haven't played the game. Don't test me, or you won't like the results. अगर इस म्यूजिक से अगर कॉपीराइट आया ना तो मैं कसम से बता रहा हूँ मैं डिलीट कर दूंगा गेम. ओके शेज, ये हर गेम में रहता है यार. I heard you were starting today. Big fan. I do it every. Thanks. Thanks. You a big MMA fan? No, not really. I just love that viral video of the fight where you got knocked out in like 2 seconds. Hilarious. Anyway, I'm actually crossing over from another sport too. I spent some time in minor league baseball. इन तीनों को हराऊंगा यार मैं. तीनों को. शायद तीनों को मारने मिलेगा, काश मिले. तीनों को मैं बताता हूँ भाई कि मैं क्या हूँ. और लेजेंड मोड में खेलने में एक बार में पिनफॉल तो होना नहीं है. Well, that counts for something, I guess. The best part of the job was they used to have indie wrestling shows at the stadium all the time, where I got to rub elbows with legends like Jerry the King Lawler. He found out I was training on the side as a wrestler and actually helped me get a shot here. Please, please. Not that I couldn't have made it on my own. Even if Lawler helped get your foot in the door, you wouldn't be here if you weren't talented. I'll see you out there in a bit. Sounds good, buddy. Oh, and before I forget, can you sign something for me before you leave today? Sure. Just as long as you don't sell it online. Ah, well, then you know what? I can get it some other time. I'm just messing with you. If you can make a few bucks, then good for you. And literally, it might only be a few bucks. See you out there, Chase. Okay.
अबे मेरे को हील बना दिया यार फालतू में यार, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लियो, मैंने प्रेस कुछ किया था अब वो प्रेस कुछ और हो गया। कोई नहीं, फेस टर्न तो करना ही है मुझे आगे भी। यार इन्होंने हील कर दिया फालतू शायद मेरे को, देखते हैं फैंस कितने कमाता हूँ, मजा आएगी। पिछले में तो शायद 3 लाख के ऊपर फैंस थे मेरे, लेट्स सी इस बार क्या होता है। अगर WWE मुझे पूछ दे तब तो मज़ा ही आ जाएगी, बट अगर ना दे। ओके शॉन माइकल्स। I'd like to officially welcome our newest recruit to the start of his WWE journey. The rest of you've heard this speech already, so we'll try to make it quick. On our first day, he did the whole ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages thing. It was awesome. We'll do the talking, Chase. I was just telling him about your cool DX intro you did. Chase! What Road Dogg was getting at is we are going to give you the foundation to succeed in WWE. What you do with it is up to you. Keep in mind, you will be judged at all times. अगर किसी बंदे को जाना है पॉज करके या कुछ तो वो नहीं कर सकता क्योंकि कर ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं दिया है पॉज वगैरह का। PC में that goes directly to Triple H's office in Stamford. The coaches and PC staff certainly have input, but ultimately he'll decide when the time's right to bring the GMs from NXT, Raw and SmackDown here so you can showcase your talents. I'm ready for that now. Yeah, we know you think that, but it's not your call, big shot. Okay, now that all that's out of the way, we're gonna start with some one-on-one matches to see where everyone's at. All right, new guy, since it's your first day, we'll let you choose who you want to face. चलो ठीक है, किसी तगड़े बंदे को चूज करता हूँ मैं। पहले चेस को हराता है। चेस 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 चेस। Okay, let's get started. ये शॉन माइकल ने सच में इतने टैटू बनाए रखे हैं या सिर्फ गेम पे बना दिए? शॉन माइकल, AKA अक्षय कुमार। हाँ अक्षय कुमार बोला, वो अक्षय कुमार सेम ही दिखते हैं। बहुत ज़्यादा लोडिंग लेने का रीज़न ये है कि अगर तुम डायरेक्टली गेम फाइल्स में बनाओ सब कुछ तो एकदम बढ़िया चलेगा, बट अगर तुम कम्युनिटी क्रिएशन से कुछ डाउनलोड करते हो या कुछ थर्ड पार्टी अपना बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। चलो चेस, बस यही सब मूव्स तो मेरे को चेंज करना है ना यार। चेस क्या कर रहा है चेस? अगर इस बैकग्राउंड म्यूजिक से कॉपीराइट आया, जब मैंने बोला यार कि ये एक्सबॉक्स से कंट्रोलर वाले कंट्रोल क्यों दिखा रहा है मेरे में। ओके इट है, ये लोग चीयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मिलिन सर पिट रहे हो क्या है मिलिन सर? ओके ये मेरे पास एक एडवांटेज है कि ये बंदा वो नहीं कर सकता मेरे साथ। ओ लेट्स गो यार, ये पॉसिबल नहीं है। क्या कर रहा हूँ मैं, मेरी बॉडी खुद ही डैमेज कर ली। आजा बेटा बाहर, आजा बेटे बाहर आजा। आ तुझे बताता हूँ मिलिंद का पापा कौन है। अच्छा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन है क्या? अच्छा ये लोग बाहर क्यों आ गए, किस खुशी में आ गए भाई? Yeah.
यार ये तो गलती कर दी ना मैंने, बट ठीक है. ओके नाइस. ये डॉच करने के चक्कर में हुआ है सब. बहुत टाइम से खेला नहीं हूं ना तो मैं एकदम भूल सा गया हूं इस गेम को. चल बेटे उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा रे उठ जा बच्चे. अरे साले रिवर्स कर दिया यार. Suplexity. थोड़े हाई फ्लाइंग मूव्स मारते हैं. मतलब एक भाई स्टंड होने वाला है बंदा. बढ़िया कुछ भी दबाते रहो ना कुछ तो रिवर्स हो ही जाता है. यार ये सिग्नेचर फिनिशर कब देगा? तब से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूं मैं. चलो बेटे अब तुम मार खाओगे. बस डर इसी बात का है कि ये रिवर्स ना कर दे. नहीं किया. देखो यार बॉडी डैमेज करना मेन खेल है इस गेम में. बस अब मेरा सिग्न. अबे यार कितना रिवर्स कर रहा है. मेरा फिनिशर खा गया लड़का. अच्छा ये उसका फिनिशर नहीं. सॉरी ये तो कुछ भी नहीं. यही तो एडवांटेज है रेजिलेंस वगैरह यूज करना. भाई साहब ये तो ये ना मूव्स बहुत तगड़े दे रहा है इस बार मिलन गाबा. कर क्या रहे हो? सबमिशन से हरा दोगे? मैंने मुंह की तो ऐसी तैसी कर ही दी है. मूव्स तो बहुत प्यारे हैं बहुत ज्यादा प्यारे हैं. एक मिनट मैंने हाथ पे मारा तो इसका बैक कैसे डैमेज हो रहा है. काफी रियलिस्टिक साउंड डालने की कोशिश तो की है इन लोगों ने. ये लोग मेरे को साले चेयर नहीं कर रहे हैं उसे चेस को क्यों चेयर कर रहे हैं? ओ ये तो गोल्डन मूव है भाई. चल यार उठ जा प्लीज उठ जा यार. अबे यार ये सब कुछ छीन लेगा क्या मेरे से? फाइनली दिमाग खा गया था यार ये. और एक बार तो हटाया गया क्योंकि हाँ सीधी सी बात है सीधी सी बात है क्योंकि यार ये लेजेंड मोड का यही तो नाटक है. चलो चेस हार गया सबमिशन से जीत रहा हूँ लेकिन मैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं. सब मिशन से जीत गया बट जीत गया ना. दिमाग खराब करे जा रहा था यार वो इंसान. अब सबमिशन ही सबमिशन देने वाला हूँ मैं इतना तो मेरे को पता है.
आई हेट दिस ब्लैक स्क्रीन, बहुत ज्यादा लोडिंग लेता है यार ये गेम। अगर आप थर्ड पार्टी कम्युनिटी क्रिएशन या कुछ भी वैसे में खेलो तो बहुत टाइम लेती है भाई ये गेम, बहुत ज्यादा। मतलब क्या ही बोलो, खुश नहीं रहने देगा ये गेम। ओके क्या किया जाए। ओके चलो मैं फेस हूँ। गुड मैन, यू फॉट हार्ड। देयर्स नो शेम इन लूजिंग। आई गेस आई जस्ट डोंट वांट टू बी सीन एज द वीक लिंक इन आवर ट्रेनिंग। यू हैव ओनली बीन नॉट येट। हे आई विल ट्राई। ओके तारीफ बाजी। हील्स ना हो, फेस रहे, उसकी तैयारियां और कुछ नहीं। ये बैकग्राउंड में जो हंसने और इन सब की नॉइसेस डाली है वो काफी रियलिस्टिक बना रही है। चले भाई रिंग में। वाओ, जस्ट बिकॉज़ आई रेसल चेस हबल एज लॉन्ग एज यू। चलो यार ज्यादा टाइम पास नहीं करते, गेम पे आओ। लड़ना है मुझे, लड़ना है मुझे, टाइम पास नहीं करना, मुझे लड़ना है। ये वीडियो मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ी लंबी हो रही है, बट ठीक है, थोड़ा सा इस पे एडवांटेज है ना कि इसके बाद से सारी वीडियोस मतलब टू दी टॉपिक रहेगी, ये वाली थोड़ी ट्यूटोरियल टाइप होगी, हाउ टू मेक अ फेस डिफॉर्मेशन वीडियो और फेस इमेज कैप्चर वीडियो वाला। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए कि 2K अपलोड कैसे किया जाता है तो वो भी मैं तुम्हें दिखा दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पॉइंट्स है? तीन तीन पॉइंट्स है। ओके मेरा ओवरऑल 79। 2K15 और 17 से तो बहुत ही अच्छा है, उसमें तो कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी हो जाता था सब कुछ। ओके हाइडेड बैग आल्सो। ओके मिक्स जेंडर टैग टीम मैच। ओके कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ यू नीड। ओके तो एलेक्सा ब्लिस ने मुझे ऑफर किया है मिक्स जेंडर टैग टीम मैच के लिए, तो यार चलो यार बिल्कुल अपन लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, यही तो खासियत है हमारी, हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। तो गाइस आप स्टोरी देखिए। ओके गाइस तो चलो स्टार्ट करते हैं मैच को। एक मिनट, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरा माइक ऑफ हो गया था? एक सेकंड, आवाज़ आ रही? हाँ आ रही है। हाँ बीच में मेरा माइक ऑफ हो गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा आउटकम, मतलब अपन को जीतना है बस और कुछ नहीं। डोंट वरी एलेक्सा ब्लिस, तुम्हें टैग तो नहीं मिलने वाला, हम जिताएंगे तुम्हें, आप टेंशन मत लीजिए, हम करते हैं कुछ प्रबंध, बस आप ऑस्कर को संभाल लीजिएगा, नहीं तो ऑस्का हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। ऑस्का अगर बीच में आती है और अगर हम गलती से हाथ चला देते हैं तो प्लीज उसे संभाल लीजिएगा बस, नहीं तो औरत हमें मार सकती है लेकिन हम औरत को नहीं मार सकते, ऐसा कुछ तो भी सीन है इस गेम में भी और 2K23 में भी। ओके क्या ये लोग कुछ मिक्स्ड मूव देने वाले थे क्या? कर सकते हैं, टैग टीम मूव का ऑप्शन है क्या इसमें? अच्छा है। यार एक तो ये एक्सबॉक्स के कंट्रोल्स दिखा रहा है ना तो ये कंफ्यूज कर रहा है मेरे को।
एलेक्सा ब्लेस, अच्छा ये अब मैं हूँ, अच्छा मैं एलेक्सा ब्लेस हूँ अभी, ओके मैंने सोचा कि मैं वो चेंज कर करके मारूंगा, ये कंट्रोलर अच्छा है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, रिंग में बाहर ही आउट करा के मार दो कैसे, यार एलेक्सा ब्लिस से लेकिन अगर मैं जीतना चाहूँ मैच तो मैं जीत सकता हूँ, क्यों पता है पिनफॉल को ब्रेक कराने ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि हाँ पिनफॉल को ब्रेक कराने नहीं आएंगे लड़के लोग, लड़कियाँ अगर पिनफॉल करती हैं तो ये एक एडवांटेज हो जाएगा बस, भाई मैं तो कूद के दे रहा हूँ अच्छे से, बहुत प्यारा मार रहे हैं एलेक्सा ब्लिस स्मूदली, मतलब गर्ल्स या जो लाइट वेट होते हैं सुपरस्टार वो लोग थोड़े स्मूदली खेलते हैं, ये चीज़ मैंने देखा है, चलो सिग्नेचर और फिनिशर, और अगर मैं सिग्नेचर दे दूंगा ना, सिग्नेचर क्या है, एक मिनट सिग्नेचर तो देख लूं क्या है, मुझे नहीं पता सिग्नेचर क्या है, एलेक्सा ब्लिस का सिग्नेचर है ग्राउंडेड साइड, अच्छा और फिनिशर स्टैंडिंग इन फ्रंट डी थ्रो, अच्छा वो तो ठीक है डीडीटी, और रनिंग वाला रिंग साइड पे है पर, अच्छा रनिंग पिन कॉम्बो है, भाई ऑस्का के नॉर्मल मूव्स तो सिग्नेचर फिनिशर से कम नहीं है, ओ भाई अब यही तो है ना, मैं ऑस्का को नहीं मार सकता, वो भली मुझे मार सकती है, ये एक ठोक पार्शियलिटी है इस गेम में, हर जगह ये पार्शियलिटी है, हर एक 2K गेम में और रियल लाइफ में भी है, ये क्या था भाई, साले मेरा सिग्नेचर फिनिशर रिवर्स क्यों हो जाता है किस खुशी में, अब लड़कियां ना पिनफॉल छुड़ा सकती है पर लड़के नहीं, ये कुछ एक दिक्कत सा है, चलो अब ये पिनफॉल नहीं छोड़ा सकता आके, ये नहीं आ सकता पिनफॉल छोड़ाने, यही एडवांटेज है मैक्सजेंडर का, ऑस्का को मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया, ओ भाई ये पर्सनल टाइप का क्यों था, ब्रेक ये अचानक से इतना कैसे मारने लग गया, नो पॉसिबल ये अंदर क्यों आए, जब तुम्हें पता है तुम छुड़ा ही नहीं सकते हो, तो भाई मेरे में रिवर्स बटन आ ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा है, मेरे में रिवर्सल बटन काम ही नहीं कर रहा, अब आया टैग दे देता हूँ भाई, मिलिन गापा बचा लेंगे ऑस्का, बट अगर मैं हारा ना तो गाली पड़ेगी एलेक्सा ब्लिस से, तो मुझे हारना नहीं है किसी भी हालत में, मैं बोला सबमिशन था, एलेक्सा ब्लिस क्या करने आई है, एलेक्सा ब्लिस अगर हारेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बात बस वही है, यार ये मिलिन गाबा अंदर क्यों आ रहा है बार बार, हार गए मैच, हार गए एलेक्सा ब्लिस की वजह से हारे, रिवर्सल काम ही नहीं कर रहा था, क्या करे,
This thing. I hate this thing. बता ये ना पीसी में दबा के रखना पड़ता है बटन को, जो का बहुत पिट जाओ ना तो काम ही नहीं करेगा वो। प्ले स्टेशन में दबाते रहो वो वाला चीज होता है, बट अब क्या करें, दबाते रहो वाली चीज तो काम ही नहीं करती ना, वो वाली चीज इतनी फास्ट करती है वो हमारे ऊपर, हम कैसे दबाते हैं। लेकिन इस वाले में बस वही दिक्कत है। तो चलो यार आज के लिए इतना काफ़ी है वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसके बाद से कोई ट्यूटोरियल नहीं कुछ नहीं, डायरेक्टली सीन टू सीन आएंगे, बिल्कुल टाइम पास नहीं होगा, पूरी स्टोरी मोड कंटिन्यू होगी। चलो बाय बाय।